दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं एक होटल पे कॉफ़ी पी रहा हूँ तो नेट चलाते चलाते मुझे ये पिक्चर नज़र आई है। ये पिक्चर जो है बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, उनमें से ये मुझे तस्वीर नज़र आ रही है। ये जो इस पे निशान लगा हुआ है, ये तस्वीर जो है मुझे नज़र आई तो मैंने इसको सेव कर लिया। मैंने कहा इस पे जो है मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, इससे हमें बहुत सारा सबक मिलता है, बहुत सारा मवाद मिलता है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि बाकी जो सरदारान बैठे हुए हैं, बड़े जो लीडर बैठे हुए हैं, वो किस तरह बैठे हुए हैं और ये शख्स जो है ये बड़ा लीडर है बलूचिस्तान का, डेरा मुराद जमाली शहर का, कोटा साइड पे जो है इधर बलूचिस्तान का जो है एक बड़ा सा लीडर है, जिसको जो है वहाँ की आवाम जो है बहुत कुछ जानती है, जिसके बारे में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ कि वो कैसी लीडर हैं। तो बहरहाल ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि बाकी जो सरदारान हैं वो तो माशाल्लाह से वो भी अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बैठने का अंदाज़ जो है न किसी को तकलीफ़ देना है या किसी को जो है तकलीफ़ बैठने में आए, कि वो किस तरह देखें कि ऐसे हो के बैठे हैं ताकि किसी दूसरे को बंदे को जो है तकलीफ़ ना आए। तो यानी कि किसी दूसरे की तकलीफ़ का एहसास करना ये भी एक बड़ी बात है और इससे भी हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। तो ये जो लीडर देख रहे हैं आप, मीर जाफ़र करीम साहब हैं, ये बलूचिस्तान की बड़ी शख्सियात में शुमार होते हैं और जो है बड़ी सियासी शख्सियात हैं। और उसके साथ साथ जो है ये मीर मोहम्मद जाफ़र करीम साहब जो है अगले दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार की इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है इलेक्शन लड़े थे, इस दफ़ा जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली है। मतलब ये कि अगली दफ़ा जो है शायद मेरे ख़्याल से, मुझे जो जहन में आ रहा है, जो मीर जाफ़र करीम साहब जो हैं अगली दफ़ा अगले इंतखाबात में जो गुज़र गए तो उनमें जो है शायद जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। अभी जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में कोटा सरीना होटल में जो शमूलियत का जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो बहरहाल देखें, वो ऐसी शख्सियात हैं, वो ऐसे अवामी लीडर हैं जिससे अवाम बहुत मोहब्बत करती है, प्यार करती है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बलूचिस्तान के जो सरदारान हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े जो है वडेरे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ये ऐसी शख्सियात है जिससे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। मैं अपने वफात की खातिर नहीं कह रहा, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई है और सिर्फ मेरा उनसे जो है फ़ोन पे रابطہ हुआ है, फ़ोन पे रابطہ हुआ है। तो मैंने उससे ये मालूम कर, तो मैंने जो है फ़ोन पे बात करके जो है उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा कर लिया कि ये एक अवामी लीडर हैं और आवाम से मोहब्बत रखने वाले लीडर हैं। वैसे तो बहुत सारे लीडर मिले हैं, वो एक दफ़ा जब आप उनसे मिलने जाएंगे बैठक पे वो तो इज़्ज़त ज़रूर देते हैं वहाँ पे माशाल्लाह, लेकिन जो है बाद में आपको देखेंगे नहीं, शायद मुझे जो नज़र आया, लेकिन आपके पास जो है अपनी राय है, इख्तलाफ़ आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आया इस लीडर में बहुत कुछ नज़र आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे भी वोट देना पड़ा तो मैं उनको अपना वोट दे दूँगा। तो अल्लाह आपको सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और ये मुस्लिम लीग नून से लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो मुस्लिम लीग नून शायद किसी को पसंद ही ना हो, लेकिन ये कैसे लीडर हैं जिसको बहुत सारी आवाम जो है अपना वोट पास करेगी, बहुत सारे वोट मिलेंगे क्योंकि ये अवामी लीडर हैं। और मुस्लिम लीग नून से चाहे हूँ वो उनका अपना ओहदा है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं है, लेकिन वोट जो बहुत सारे पड़ेंगे वो इनको ही पड़ेंगे मेरे ख्याल से। वहाँ के हल्के से TB 13 ये इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। और जो है मेरे लिए आप सब दुआएं किया करें, मैं शायद भी बंगर हूँ, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो जिनका अखलाक होता है मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, सारी तारीफ़ें तो अल्लाह और उसके रसूल की हैं, लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसको उसके काम को सराहता हूँ। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर।